हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह का टाइम है और मुझे आज कट करना है अरबी का पत्ता। अरबी के पत्ते की सब्जी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, कुछ लोगों को पसंद आती है। मेरे घर में सबको पसंद आती है। अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनती है और इससे कढ़ी भी बनाते हैं हम, दोनों चीज़। और अरबी के पत्ते को लपेट करके भी सब्जी बनती है और उसका पकौड़ियाँ बनती हैं लपेट के, उसको लपेटुआ कहते हैं। और कट करके बेसन में भी बनाते हैं, कई तरीके से बनाते हैं। जिसके यहाँ जैसे बनाई जाती है, जिसके यहाँ जैसे लोग पसंद करते हैं खाना, वैसे बनता है। और यहाँ पे पत्ते ये कट कर रहे हैं क्योंकि हम इसलिए नहीं कट कर रहे हैं क्योंकि ये जो डंठल में सफ़ेद सफ़ेद दूध लगा होता है इसका, ये कपड़ों पे दाग बहुत पड़ जाते हैं। पिछली बार दो कुर्तियाँ हमारी ख़राब हो चुकी थी इसके दाग से, इसलिए हम इसको काटने नहीं जाते। जब भी काटना होता है तो ये इन्हीं से कहते हैं, यही काटते हैं। और हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सुबह के बज रहे हैं 11 और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। लेट इसलिए हैं लंच बनाने के लिए, दोपहर का टाइम हो चुका है। सुबह के सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, झाड़ू पोछा जितने सारे काम होते हैं। तो हमने सोचा अपनी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। बस नहा के पूजा करके अभी अभी किचन में आए हैं, तो हमने सोचा किचन से ही स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सारी वीडियो की शूटिंग हमने सुबह से की है, लेकिन आमना सामना आप सभी लोगों से अभी हो रहा है क्योंकि सुबह हम आना नहीं चाहते थे कैमरे के सामने। सोच रहे थे अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाएं, पूजा पाठ कर लें, अच्छे से आप लोगों के सामने आए। बाल देख सकते हैं काफी ज्यादा पके हुए हैं और इनको हम अब कलर भी नहीं करना चाहते क्योंकि इनको इतना ज्यादा कलर करते करते जो बालों का ओरिजिनल लुक था वो चेंज हो चुका है। इसलिए बाल अब कलर करना सोच रहे हैं छोड़ दें धीरे धीरे। पहले तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बीच बीच में हाथों वाली मेहंदी जो होती है उसको लगाएंगे अगर इच्छा होगी, नहीं तो वो भी बंद कर देंगे। तो सुबह का टाइम है, लंच बनाने का टाइम है, तो आज के लंच में आप लोगों के साथ स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे। किसी किसी को पसंद आती है, किसी किसी को नहीं पसंद आती है, कोई जरूरी नहीं सबको पसंद आती है, लेकिन मेरे घर में सबको पसंद आती है। तो जिसके घर में जो ज्यादा पसंद किया जाता है वही चीज ज्यादा बनती है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कढ़ी की रेसिपी। बहुत दिन खाए हो गया था क्योंकि दही आजकल मिल नहीं रहा था और जो जोरन होता है, जमावन जिसको कहते हैं, वो भी घर में नहीं था। तो आज हमने दही पैकेट वाली मंगाई है, उससे कढ़ी भी बनाएंगे और दही जमाएंगे भी जोरन। तो चलिए फिर, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, भूख लगी होगी बच्चों को, तो सबसे पहले फटाफट से खाना बना लेते हैं, यानी दोपहर का लंच बना लेते हैं। उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी बातें होती रहेंगी और जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शाम तक शेयर करेंगे। सबसे पहले पकौड़ियाँ बनाएंगे, आज सब लोग पकौड़ी खाएंगे, पकौड़ी और चटनी। उसके बाद कड़ी पकौड़ा बनाएंगे, उसके साथ चावल बनाएंगे। रोटी बनेगी कि नहीं अभी नहीं पता है, मुझे लगता है बनेगी जरूर क्योंकि मेरे घर में रोटी के बिना काम नहीं चलती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। अपनी बकबक को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अरबी के पत्ते को हमने सबसे पहले धुला है क्योंकि अरबी के पत्ते में कीड़े मकोड़े होते हैं। बरसात का साग होता है, बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े होते ही हैं, तो इसको एक एक पत्ता अच्छे से हमने देख देख के धुला था। उसके बाद इसको कट कर लिया है। यहाँ पे हमने बाउल ले लिया है एक छोटा सा। सबसे पहले सारे अरबी के पत्ते को इस बाउल में डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं पकौड़ी बनाना तैयार करूंगी क्योंकि आज सबको सबसे पहले पकौड़ियाँ खानी है। तो यहाँ पे कढ़ी पकौड़े की सारी तैयारी हो रखी है, पकौड़ी बनाएंगे, सब लोग खाएंगे भी, और पकौड़ी इसी पकौड़ी में से हम कढ़ी में भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है, 4-5 हमने प्याज कट करके रखा था, 8-10 हरी मिर्ची कट करके रखा है, बारीक बारीक उसको डाल दिया है। यहाँ पे हमने कटोरे में बेसन ले लिया है, आधे कटोरे के लगभग ये बेसन है, पूरा नहीं डालेंगे अभी, थोड़ा सा बचा के हमने रखा है। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच चावल का आटा ले लिया है। चावल के आटे से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो चावल का आटा 2 चम्मच डाल दिया है, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप ज़्यादा ना डालें ना कम ही डालें, बराबर डालें। उसके बाद मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, गर्म मसाला, जो भी मसाले आप सब्जी में डालते हैं, साबुत खड़ा जीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से सबसे पहले सूखे में ही मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल जाए।
थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर इसकी पकौड़ियाँ नहीं बनेंगी, तो इसलिए हाथों से मसल मसल के इसको अच्छे से मिलाना है। जो बेसन थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी हमने डाल दिया है। पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें बेसन और पत्ते में एकदम लिपटा हुआ होना चाहिए, पत्ते अलग नहीं होने चाहिए, बेसन में एकदम से जैसे बेसन पकड़ के रखे पत्तों को। अगर बेसन आपका कम रहेगा, पत्तों में नहीं लिपटा रहेगा, तो जब आप पकौड़ियाँ तलेंगे तो पत्ते अलग हो जाएंगे। तो चलिए तेल गर्म है, पकौड़ी छान लेते हैं। एक मज़े की बात आपको बताते हैं, पकौड़ी छानते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि मेरे हाथ ना तेल में जल जाएं, इसलिए जब भी हम पकौड़ी बनाते हैं तो चम्मच से ही डालते हैं। आप हमें कभी भी हाथ से पकौड़ियाँ डालते नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे गर्म तेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर एक दो बार जल भी गए हैं, उंगलियां हमारी जल गई हैं, इसलिए हम नहीं डालते। पकौड़ी बात करते करते तैयार हो चुकी, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़ी बनी थी चावल के आटे से, आटे चावल का आटा जो हमने डाला था। आप लोग आ जाइए पकौड़ी खाने, सब लोग पकौड़ी खा चुके हैं और हम भी खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए पकौड़ी खाने, अरबी के पत्ते की पकौड़ी। अब कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। आज रेडीमेड दही है, क्योंकि आप लोगों को बताया है कि घर में दही नहीं थी, तो पैकेट वाली दही जमाई मतलब मंगाई थी। इसमें हमने चार बड़े चम्मच बेसन डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे। सबसे पहले बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठली लम्स ना बने। इमली के पानी को भिगो के डाल दिया है, क्योंकि पैकेट वाली दही खट्टी नहीं होती है। तो एक बड़ी इमली थी जो पकी वाली इमली होती है, उसको भिगो के रखा था, उसका पानी इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छे से दही और बेसन अच्छे से फिट चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे इसलिए पानी डाल रहे हैं, एकाएक पानी डाल देंगे तो बेसन जो होता है ना वो गुठली गुठली बन जाता है, अच्छे से घुलता नहीं है दही में। तो अब हाथ से अच्छे से मिला देंगे सारा बेसन जो किनारे पे लगा हुआ है, उसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। एक भी बेसन, एक भी मट्ठा दही, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। और एक भगोना हमने पानी तैयार किया है। कढ़ी को बहुत ज़्यादा जलाना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी पड़ता है। तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है कढ़ी का घोल। कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया इसमें 3-4 बड़े चम्मच सरसों के, एक चमची भर के हमने देसी घी डाल दिया है। आज मिक्स बना रहे हैं देसी घी और सरसों का तेल का, नहीं तो घी में आप कढ़ी बनाएं तो बहुत ज़्यादा स्वाद आता है कढ़ी का। तो हमने आज तेल और घी का मिक्स करके बनाया है। सबसे पहले तड़के में जीरा और मेथी दाना डाला है, मेथी दाना आप कढ़ी में ज़रूर डालें। सूखी लाल मिर्च खड़ी डाल दी है, अच्छे से चटकने दिया है। उसके बाद प्याज कटा हुआ बारीक डाल दिया है, प्याज को भी अच्छे से चटकने देते हैं। कढ़ी पत्ता रखा है हमने, कढ़ी पत्ता भी डाल देंगे, क्योंकि कढ़ी में तो कढ़ी पत्ता का स्वाद आता ही है। सबको अच्छे से पकने देंगे, कलर आने देंगे, प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, आप घोल में भी हल्दी डाल सकती हैं या फिर डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकती हैं, दोनों में आप डाल सकती हैं। कहने का मतलब है कि या तो आप कढ़ाई में डालें, या तो जब घोल बना रही थी उसमें भी आप हल्दी डाल के मिक्स कर सकती हैं। तो हल्दी को भी पकने देते हैं 1 मिनट तक। उसके बाद जो हमने पानी का घोल तैयार किया है उसको डाल देते हैं। बहुत आसान होता है कढ़ी बनाना, लेकिन परफेक्ट रेसिपी जो होती है सबको नहीं आता है, किसी किसी का जो कढ़ी होता है फट जाता है। जैसे ही आप जैसे ही आप घोल डालें दही और बेसन का, तुरंत आप इसको चलाएं, छोड़े नहीं, आप चलाते रहें जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, तब तक आप कढ़ी को चलाते रहें। देखिए उबाल अच्छे से आ चुका है, अब हम पकौड़ियाँ डाल देंगे। जो हमने पकौड़ियाँ बना के रखी थी अरबी के पत्ते की, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है अरबी के पत्तों की पकौड़ियाँ। देखिए कढ़ी हमारी तैयार है, आप चाहे तो ऊपर से तड़का लगा सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे खाएं। तड़का हमने पहले लगाया ही है, बस चावल बना लेते हैं, कढ़ी और चावल। तो जैसे रोज़ चावल बनाते हैं वैसे आज भी बनाएंगे। तो हमने चावल धुल के रख दिया है, और चावल हम सुबह ही धुल लेते हैं सबसे पहले, और इस तरीके से चावल बनाएंगे तो बहुत ही खिले खिले चावल होते हैं। चावल को आप 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पहले ही धुल के रख दें। सबसे पहले यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और 2-3 चम्मच घी डाल देंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। ऐसा रोज ही करते हैं, आप लोगों को देखते ही होंगे जब चावल बनाते हैं, बस ढक्कन लगा देते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ी और चावल बन के तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए, कितना अच्छा लग रहा है ना, परफेक्ट कढ़ी चावल। और ये थोड़ा सा करेला का भुजिया है, रोटी भी बनाई थी हमने साथ में।
शाम के 7:30 या फिर कह लें रात के 7:30 और हम यहाँ पे बैठे हैं छोटी वाली मेज पे, बिल्कुल थके हुए हैं, पता नहीं क्यों, बता देते हैं टहलने गए थे इसलिए थके हुए हैं, लाइट जला दी है इन्होंने और अभी टहल के आ रहे हैं। 7:30 बजे हैं, मतलब थोड़ी देर आधा घंटा पहले टहल के आए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पूरे 3 महीने बाद आज टहलने गए थे, 3 महीने तक हम घर के अंदर रह रहे थे और अभी ना सुबह वो लंबी वाली बिंदी लगाई थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि इस वाली बिंदी की आदत पड़ चुकी है, तो अभी शाम के टाइम हमने ये वाली बिंदी वापस से लगा ली है जो रोज़ लगाते हैं। और आज हमने पकौड़े सकौड़े ढेर सारे खाए थे इसलिए हम टहलने गए थे, क्योंकि जब खा रहे हैं और टहलने नहीं जा रहे हैं तो बैठे बैठे वजन बढ़ता जा रहा है, वैसे भी मुझे थायराइड है, टहलने जाना ज़रूरी होता है थायराइड की वजह से, और बीपी भी है, थायराइड भी है, दोनों की वजह से अगर वॉक पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फिट एंड हेल्दी फील करते हैं अंदर से, इसलिए टहलने गए थे। वैसे पता ही है कि टहलने नहीं जाना चाहिए था, कोरोना चल रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं गए थे, बिल्कुल खाली है, सुनसान था, तो आज टहलने गए थे। आज इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, रात का डिनर इसमें नहीं शेयर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, तो इस वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पुष्पराज ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, अपना और अपनी फैमिली का बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।